आज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उन बताओ सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ बच्चे हूँ। और अभी मैं नहा के फ्रेश हो चुका हूँ और खाना भी खा लिया। मैं और भाई थोड़ा बाहर आए हैं, काम है हमको, और आप ही चलेंगे फिर दुकान पे कुछ समय बाद। आज शायद कैमरा स्टैंड आ जाएगा मेरा, कंफर्म भी नहीं है आज, क्योंकि आज है 7 तारीख और शायद आ भी आए और शायद ना भी आए, कोई पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है पूरा। और आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। सारे इकट्ठे और भाई भी और हमारी बीबी कह रहा है कि मेरे को नीचे कान उसको हार्दिक को तंग कर रही है। नो तंग कर खुद मामू ने नहीं खाना तंग पीछे पड़ गया, चीज पक गई है मैंने और वो मांग रहा है, कहता मेरे को भी दो। अच्छा तेरे को एक देता हूँ, एक देता हूँ और आना फिर आता भी नहीं। और अभी आ भी नहीं रहा, काफी परेशान कर रहा है उसको। और अभी चलते हैं दुकान पे, टाइम भी हो चुका है, अभी बज चुके हैं 10:15 हो चुके हैं। अभी तक राहुल भैया का फोन ही नहीं आया, ना ही वो घर से निकले। अभी मैं बाहर उनका इंतजार कर रहा हूँ कब से, और अभी फिर दुकान पे चल के काफ़ी टाइम लगेगा, दुकान खोलते भी सफाई भी करनी है वहाँ पर, क्योंकि वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका है और अभी समय भी कम है। और फिर चलेंगे वहाँ पे भी, शायद आ जा ही जाए कैमरा स्टैंड। और गाइस आज इतने कस्टमर नहीं है, आज काफ़ी मार्केट डाउन है। और अभी करेंगे थोड़ी सी रेस्ट, फिर वापस ब्लॉग बनाएंगे। आज हमारा कैमरा स्टैंड आज भी नहीं आया, क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका है, शायद आज फिर ना ही आए, क्योंकि 3 तो बज चुके हैं आज के और कल ही आएगा। अब डाउट है मेरे को कल का भी, शायद कल तो पक्का ही आएगा, शायद शायद कह सकता हूँ, पूरा कंफर्म नहीं कह सकता कि कल ही आना है। और अभी थोड़ी सी रेस्ट करेंगे फिर करते हैं बात। और गाइस काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ सोने की, यार नींद ही नहीं आ रही, और क्योंकि थोड़ी सी थकान हो चुकी है मुझे। और अभी कोशिश कर रहा हूँ कि सो जाऊँ, अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी 3 बजे हैं, 3:11 हो गए अभी। और अभी करते हैं कोशिश कि 4:30 बजे तक सो जाएं, क्योंकि काफ़ी यार थकान हो चुकी है। थोड़ी सी रेस्ट करेंगे फिर उठेंगे, फिर चाय का इंतजाम करेंगे, क्योंकि 4:30-5 बजे चाय भी पीनी है। फिर काफ़ी कोशिश की सोने की लेकिन नहीं सो पाया। और अभी 4 बज चुके हैं, फिर मैंने सुनील भाई को बोला मैं आया ऊपर होके एक मिनट, और अभी ऐसे ही चक्कर लगाने जा रहा हूँ, फिर चलेंगे संगेश भैया के पास वापस। और अभी चलते हैं नीचे। और गाइस सॉन्ग वैसे मैं सॉन्ग ही सुन रहा था, थोड़ा सा लेटा हुआ था, सॉन्ग आए हुए थे, सुनने जा रहा था, ऐसे ही टाइम पास हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला कब 4 बज गए। और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बैठेंगे ऊपर 5-10 मिनट, क्योंकि ऐसे चेहरा लगा हुआ ना नींद से भरा हुआ। और फिर चलेंगे नीचे, नीचे और भी आप पूछेंगे कि तू ऊपर सोया था, मैं उनको बता के नहीं आया कि मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ, अगर मैंने बताया होता फिर तो कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ बोलेंगे तो नहीं, ऐसे ही गलत होता है ना, सुना कर जाना चाहिए, मैंने सुनाया भी नहीं, मैं तो ऐसे ही ऊपर बैठने आ गया था सुनील भैया के पास, और ऐसे नींद लगी फिर मैं सोने लगा, ऐसे गाना सॉन्ग लगाए हुए थे, मेरे को नींद लगने लगी, फिर जैसे सोने की कोशिश की तो नींद ही नहीं आई। और अभी 4:30 बजे चाय बनाएंगे फिर पियेंगे, शायद आज मन तो नहीं कर रहा यार चाय पीने का, कटिंग भी करवाने वाली हो गई है, बाल ऊपर से नहीं कटाने, ऊपर से बड़े रखने हैं, साइड से बराबर करवाएंगे है ना, और देखेंगे बाल नहीं तो स्ट्रेट करवाएंगे, ऊपर से अच्छे नहीं लग रहे,
और गाइस अभी चाय पी ली है और आज खाए मैंने बिस्किट मंगवाए थे और राहुल भैया उन्होंने अपने लिए रस मंगवाए हुए थे, मैंने रस नहीं खाया, मैंने बोला मैं बिस्किट खाने हैं और फिर मैंने बिस्किट ले आया अपने लिए और वो खा लिए और अभी बैठे हुए थे फ्री। अच्छी बात है कि जैसे चाय पी हमने और उसके 10 या 5 मिनट बाद लाइट चले गई और 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं ना, क्योंकि मैं कब से सुनी भी अगर बोल रहा था चलो चाय बनाते हैं, बोलते हैं चलते हैं चलते हैं। अच्छी बात है कि 5-10 मिनट हम और लेट ही नहीं हुए, नहीं तो चाय आती कि आधी राय नहीं थी बनी, हमको वेट करना पड़ता 7 बजे तक, क्योंकि अभी 6 बज चुके हैं और अभी लाइट आएगी 7 बजे, फिर काफ़ी वेट करना पड़ता। और आज भी फिर जैसे कल भी लाइट नहीं आई थी और फिर चाय कल भी रहने दी हमने पी नहीं, फिर आज भी नहीं पीनी थी आज, क्योंकि फिर कल सिंधु भैया को भी जाना था ना बाबा जी के दरबार, और फिर कल मोनिका दीदी भी नहीं आई थी तो दीदी से और पापा से कल सुनील भैया बोल रहे थे मैंने चाय पीनी नहीं, ना ही मैंने पी, फिर कल मैंने बोला कोई बात नहीं फिर है कौन पीने वाला, फिर पापा वो बाहर से रख के दे दी ना चाय। और अभी आज हम बैठे हुए मैं और सुनील भैया और बात कर रहे हैं किसी से, और पहले गेम खेल रहे थे फिर कस्टमर भी आए हुए थे अभी, फिर बीच में कस्टमर आ गए उन्होंने गेम आधी छोड़ दी, फिर आधी खेली आधी रहने दी, और फिर अभी कस्टमर डील करके अभी चेस्टा भी फ्री हुए, किसी से बात कर रहे हैं, उनको फ़ोन आया हुआ किसी का, और देखते हैं कल शायद कैमरा स्टैंड आ ही जाए, डाउट तो है थोड़ा थोड़ा कि आ जाएगा, अगर आ गया तो अच्छी बात है, और शायद हम जाएंगे रात को कटिंग करवाने, क्योंकि आज मन कर रहा है कि थोड़े बाल सेट करवा लूँ यार, है ना, अच्छे नहीं लग रहे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे बाल, कटवा लेंगे यार थोड़े से, बाल की सेटिंग करवाते हैं ना, ऊपर से रहने देंगे, ऊपर से थोड़े छोटे करवा लेंगे और साइड करवाएंगे, एक नंबर या दो नंबर रखेंगे, अभी करते हैं रिक्की को फ़ोन, अपने भाई को बोलूँगा कि आज यार कटवाने आना है बाल रात को, अगर होगा टाइम तो बता दे, शायद फ्री ना हो, फ्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हेलो, मैंने किया था अब रिक्की को फ़ोन, वो बोलता कि 7 बजे से पहले आ जाना, मैंने उसको बोला कि मैं 7 बजे दुकान से निकल जाऊँगा और फिर तेरे पास आ जाऊँगा टाइम पे, वो बोल रहा है कोई बात नहीं तू आ जाना और देखेंगे चलेंगे 7 बजे निकल जाएंगे, राहुल भैया को बोलेंगे कि कटिंग करवाने जाना है यार, भेज दो थोड़ी जल्दी, है ना, फिर करेंगे रात को नवरत्न से मालिश ले लेंगे, वहाँ से तेल ऑयल लेंगे, काफ़ी यार ठंडा ठंडा फील होगा, दिमाग पूरा हैप्पी हैप्पी हो रखा है यार, क्योंकि काफ़ी देर हो गए 2-2.5 महीने हो गए ज़्यादा से ज़्यादा भी वक्त कटिंग करवाए, फिर चलेंगे देखेंगे ना। अभी मैं आया हूँ दीदी के लिए मोमोस लेने, घर से फोन आया था मोमोस लेके आना, और अभी मैं जा रहा हूँ अभी जल्दी घर पे, क्योंकि रिक्की भाई के पास जाना अभी कटिंग करवाने, चलते हैं गई, अभी घर पे पहुँच चुका हूँ, और जैसे मतलब कि मैं घर पे पहुंचा तो मैंने रिक्की को फ़ोन किया मैं अभी तेरे पास आ रहा हूँ कि मैं दुकान से निकल गया, क्योंकि मैं चढ़वाल में ले रहा था दीदी के लिए मोमोस, उनका फ़ोन आया था कि मोमोस लेके आना, तो इसलिए मेरे को आधा घंटा उधर ही लग गया, फिर मैं थोड़ा लेट हो गया घर आने को, और फिर क्योंकि वो भी ज़रूरी थे, उनका खाने का मन कर रहा था, मन तरसाना नहीं चाहिए किसी का, और फिर रिक्की को फ़ोन किया था मैंने कि मैं अभी आ रहा हूँ, उसने बोला कि अभी मैं घर पे चल गया हूँ और शायद कहीं काम गया होगा, मैंने उसको बोला यार आप 5-10 मिनट के, क्योंकि सुबह शनिवार है, फिर मैंने बाल नहीं कटवाने, कहता था कोई बात नहीं यार कटवा लेना सुबह ही, अब सुबह कटवाएंगे, क्योंकि मैंने राहुल भैया को बोला था ना कि मैं कटिंग करवाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी चला गया था, और फिर सुबह अभी कटवाएंगे बाल, फिर आपको भी बताएंगे, है ना, अभी जस्ट अभी घर पे पहुँचा हूँ, देखते हैं कब मनी आएगा, जब अब चलते हैं हार्दिक के पास खेलते हैं, उसके साथ थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, फिर चलेंगे
खाना खाएंगे, अभी लाइट भी नहीं आई है शायद, बोल रहे थे ट्रांसफॉर्म सड़ गया हुआ बड़ा, शायद भगवान की दया से ना सड़ा हो, तो शायद देखते हैं 9 बजे तक अगर लाइट आ जाएगी, नहीं तो खाना खा लेंगे क्योंकि इतना वेट नहीं कर सकते, फिर एडिटिंग भी करनी है खाना खा के, और जा तो थोड़ी लेट खा लेंगे और पहले एडिटिंग कर लेंगे फिर वीडियो अपलोड करनी है 10 बजे। हार्दिक के पास चलते हैं अभी। हार्दिक ये रो रहा, काफ़ी तंग कर रहा है मम्मा को, कहता मेरे साथ जाना है, अभी बाहर इसको घुमा के लाया था पहले, अभी वापस चलेगा, चलो अभी खुश हो गया यार, देखो काफ़ी शैतान है, समझता हर एक बात को, ऐसी बात नहीं है, अगर इसको अभी मैं बाहर ले जाऊंगा ना फिर चुप हो जाएगा, अगर मैं इसको वापस अंदर ले जाऊंगा ना देखिए अभी रोने लग पड़ेगा, चलो मम्मा पास, चलो मम्मा पास, मैंने नहीं लेना तेरे को, कहाँ जाना है, इसको लगा वापस बाहर घुमा के आते हैं एक बार। अरे बाहर चुका बाहर काफ़ी, फिर खुश हो जाता है बाहर आके, फिर हंसता है, हार्दिक बाहर आ गया तू, अब बाहर आ गया, अब हैं अब बाहर आ गया, और इसको वापस एक राउंड लगवा कर फिर इसको छोड़ देंगे घर पे वापस। नितिन के पास इसको चक्कर लगाते हैं, नितिन भाई की दुकान पे आए हुए हैं, और फिर इसको छोड़ेंगे घर पे, खाना खाएंगे क्योंकि 9 बजने वाले हैं अभी, इतना टाइम भी नहीं है। ये हमारे नितिन भाई इस दुकान के ऑनर, और अभी किराने का काम शुरू करेंगे कुछ ही देर में, फिर इनसे लेंगे सारा सामान। पहले काफ़ी काम था इनका पहले भी मोबाइल्स का, और अभी कम कर दिया, किराने वाली लाइन में पड़ चुके हैं अभी, शायद उनको काम अच्छा नहीं लगा हुआ क्योंकि चलो टाइम लगता है थोड़ा, अच्छा हो जाएगा इनका काम भी, अभी भी अच्छा है, काफ़ी सामान मिलता है इनके पास, जो भी खाना हो चिप्स वगैरह है, मैंने कोल्ड ड्रिंक लेनी हो तो इनके पास ही आ जाता हूँ, काफ़ी नेचर के भी काफ़ी अच्छे हैं, और हम एक लड़के को परेशान कर रहे हैं हमारे राहुल डांसर को, और उसको हम बोलते हैं कि तेरा ऑडिशन है यार वहाँ पर, कभी नितिन भाई फ़ोन कर देते हैं और कभी हम कर देते हैं, आज उठाया था उसने फ़ोन, उठाया था और काफ़ी परेशान करते हैं, कहता है यार बात करो करनी है तो, और नितिन भाई उसको बोल रहे हैं कि तू घोड़े ही चार और कुछ नहीं कर सकता, काफ़ी मज़ा करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, अभी भी गांव में काफ़ी प्यार बना हुआ है। ये लड़का थोड़ा मेरे को बड़ा घूर रहा है, क्यों घूर रहा है इतना, आपको पहचानता नहीं ना, पहचानता है, नजरे नहीं उठा रहा मेरे से, देखो मैं मुझसे बात करो ना, देखो मेरा फ़ोन बज गया अभी, फिर चलते हैं इसको छोड़ने, और अब गुस्से में आ गया, देख रोने लग पड़ेगा, अब घर का नाम सुन के रोने लग पड़ता है, दीदी बोलते हैं इसको अंशिका के पास छोड़ दे, अंशिका के पास ही छोड़ देंगे अब इसको, वो भी पढ़ रही होगी शायद, फिर आ जाएंगे इसी मामू आ जाएंगे इसके कुछ ही देर में, भाई आ जाएगा और वो ले जाएगा उठा के वापस इसको, इसके चुक मुटा मम्मा बना रहे हैं खाना, मनी आ जाएगा फिर खाना खाएंगे उसके साथ ही वापस कल की तरह, और फिर करेंगे डिटी। ओके गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।